तीन महीने के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति सहित शिमला के नारकंडा, कोटखाई और ऊपरी क्षेत्रों में बीती रात बर्फबारी हुई है। नारकंडा में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते यातायात ठप हो गया है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। इसके अलावा खड़ा पत्थर, कोटखाई में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। कुफरी में भी हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं शिमला शहर में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी से खासकर बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज भी कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 4 फरवरी तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 3 महीने से सूखे जैसे हालात बने हुए थे। दिसंबर जनवरी महीने में बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई, जिससे किसान और बागवान परेशान थे, खासकर सेब पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा था। वहीं अब बर्फ गिरने से बागवानों ने राहत की सांस ले ली है। पंजाब के सीटीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।